हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि मात्र 3,000 रुपये का सोलर पैनल परचेस करके आप अपने घर का बिजली बिल जो है वो कैसे बचा सकते हो। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आप सोलर पैनल देख रहे हो तो दोस्तों मात्र हमने 3,500 रुपये में ही परचेस किया हुआ है। और दोस्तों हम अपने घर का बिजली बिल जो है वो 3 गुना तक बचा रहे हैं। जब दोस्तों हमने सोलर पैनल नहीं खरीदा हुआ था तब हमारे घर का बिजली बिल जो है वो 1400 और 1500 रुपये हमारे घर का बिजली बिल आता था। और जब से दोस्तों हमने सोलर पैनल लगाया हुआ है तब से दोस्तों हमारे घर का बिजली बिल 350-400 रुपये ही आता है। तो दोस्तों अगर आपके भी घर का बिजली बिल ज़्यादा आता है तो आप सोलर पैनल लगा के आप अपने घर का बिजली बिल जो है वो बचा सकते हो। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि सोलर पैनल किस तरह से हमें कनेक्ट करना है और कैसे दोस्तों हम अपने घर का बिजली बिल जो है वो बचा सकते हैं। देखिए दोस्तों, मात्र 3,500 का ही ये सोलर पैनल जो है वो हमारे घर का पूरा लोड चलाएगा। मतलब दोस्तों आप 2-3 सेलिंग पंखा भी चलाना चाहते हो तो आपका सेलिंग पंखा चलेगा, आपका एक टीवी भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों आपके पास एक इन्वर्टर होना चाहिए, तब दोस्तों आपके घर का सारा डिवाइस जो है वो आसानी से आप चला पाओगे। जितना भी आप लोड देना चाहोगे उतना आप लोड दे सकोगे। मतलब मिक्सर भी चलाना चाहते हो तो मिक्सर भी चला सकते हो, टीवी और सेलिंग फैन के अलावा और कुछ भी अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, सारा कुछ इजीली चलेगा। मैं आपको इस वीडियो में लाइव दिखाने वाला भी हूं। तो यहां पर दोस्तों जिस सोलर पैनल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ये है दोस्तों ल्यूमिनस का 105 वाट मोनो पैनल, जिसको हमने दोस्तों मात्र 3,500 रुपये में ही खरीदा था। और इसको खरीदे हुए दोस्तों करीब 1.5 साल के आसपास में हो गए और 1.5 साल से मैं अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो 3 गुना तक बचत कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों हम ले चलते हैं अपने सोलर पैनल के पास और अपने बैटरी के पास और हम आपको बताते हैं कि हमने किस तरह से कनेक्शन किया हुआ है कि हम इतना बिजली बिल जो है वो आसानी से बचा पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे YouTube चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों आज के इंटरेस्टिंग वीडियो हम शुरू करते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा ल्यूमिनस 105 वाट सोलर पैनल, जिसको दोस्तों हमने मात्र 3,500 रुपये में ही परचेस किया हुआ है। और जब से दोस्तों हमने इस सोलर को ख़रीदा हुआ है तब से दोस्तों हम अपने घर का बिजली बिल जो है वो 3 गुना तक बचा रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों 2 सोलर पैनल रखा हुआ है, जो कि एक सोलर है जो छोटा वाला जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो दोस्तों हमने बहुत पहले ही परचेस किया था और वो अभी भी वर्क करता है। अगर दोस्तों आप ये सोलर पैनल ख़रीदते हो ल्यूमिनस का तो आपको दोस्तों 25 साल की वारंटी भी मिलती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि ये कितना एम्पियर हमें आउटपुट सप्लाई देता है और कौन सी कंपनी का है। यहाँ पर हम सोलर के एकदम करीब में आते हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो ल्यूमिनस का ब्रांडिंग लगा हुआ है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। चलते हैं दोस्तों इसके पीछे साइड में और आपको सारा कुछ दिखाते हैं। यहाँ पर बड़े साइज में लिखा हुआ है ल्यूमिनस और इसके नीचे में दोस्तों एक बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पर और इसका सारा डिटेल यहाँ पर लिखा गया है। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों 5.88 एम्पियर मैक्सिमम आउटपुट सप्लाई यहाँ पर दिखा रहा है और ये दोस्तों 105.22 वाट का सोलर पैनल है। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि इसको हमने कैसे कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि आपको अपने सोलर पैनल के साथ DC वायर ही यूज़ करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों हमने अपने सोलर के साथ DC वायर का भी इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पर आपको कोई AC वायर नहीं परचेस करना है दोस्तों। AC वायर में क्या होता है कि करंट जो है थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है और DC वायर क्या होता है दोस्तों कि जितना वोल्टेज आपका सोलर पैनल जनरेट करेगा उतना ही वोल्टेज जो है आपकी बैटरी तक पहुँचेगा। इसमें कोई जो वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होने की चांस नहीं होती है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमने DC वायर परचेस किया हुआ है और ये आपको ईजिली अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। दोस्तों सोलर पैनल का DC वायर के लिए भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो इसका कनेक्शन मैंने उस वीडियो में भी बताया हुआ है कि कैसे कनेक्शन होगा। तो चलिए दोस्तों हम ले चलते हैं अपने बैटरी के पास और आपको बताते हैं कि सारा कनेक्शन कैसे करना है। तो दोस्तों ये रहा हमारा बैटरी और ये रहा हमारा UPS और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों हमने एक एम्पियर मीटर भी लगा रखा है और यहाँ पर एक कंट्रोलर भी लगा रखा है और ये वायर जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये 2 वायर जो है ये हमारे सोलर पैनल से आया हुआ है और ये पहला वायर जो है ये हमारे एम्पियर मीटर से कनेक्टेड है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों हमारा सोलर पैनल जो है वो 2.5 एम्पियर के आसपास में आउटपुट सप्लाई दे रहा है। सुबह का टाइम है दोस्तों, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं निकला हुआ है इसीलिए 2.5 एम्पियर के आसपास में सप्लाई दे रहा है। इसके बाद दोस्तों हम एक कंट्रोलर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारा बैटरी जो है ओवरचार्ज ना हो पाए और यहाँ पर देख सकते हो हमारा सोलर जो है हमारे बैटरी को चार्ज भी कर रहा है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो 13.2 वोल्ट हमारा बैटरी जो है वो चार्ज है। यहाँ पर मैं बैटरी का इस्तेमाल कर रहा हूँ एक साइड इन्वर्टिबलर बैटरी जो है 150 एम्पियर की
और अब बात आता है दोस्तों कि हम अपना बिजली जो है वो कैसे बचाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, हमने UPS को ऑन रखा हुआ है और यहाँ पर UPS हमारा कोई चार्ज भी नहीं हो रहा है, जैसे कि ये ऑन है। अब UPS के थ्रू दोस्तों हमारे पूरे घर में सप्लाई जा रहा है, मतलब कि जितना हम लाइट चलाते हैं, जितना फ़ैन चलाते हैं, जितना TV चलाते हैं, सारा चीज़ हमारे UPS से ही होता है। और इसके अलावा दोस्तों जो कुछ भी कर रहे हैं हम अपने घर में, पूरा सप्लाई जो है वो हमारे UPS से ही जा रहा है। यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर देख सकते हो हमारे बोर्ड में कोई लाइट वगैरह नहीं जल रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ऑफ है। मैंने मेन स्विच से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो काट दिया हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हो, अगर हम फैन चलाएं, लाइट जलाएं, सारा स्विचेस यहाँ पर ऑन है। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक 40 वाट का बल्ब जल रहा है, ये एक सेलिंग फ़ैन चल रहा है, उधर भी एक 40 वाट का बल्ब जल रहा है, और इधर 9 वाट का एक बल्ब जल रहा है, इधर एक रिंग लाइट जल रहा है, और यहाँ पर एक ट्यूबलाइट जल रहा है। और सारा चीज़ चल रहा है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमारे UPS की वजह से। और ये हमारा जो सोलर है वो हमारी बैटरी को कंटिन्यू चार्ज कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो बैटरी के साथ सोलर कनेक्ट हुआ है, बैटरी को चार्ज भी कर रहा है, और UPS के थ्रू दोस्तों हमारा पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी भी चल रहा है। बस दोस्तों, रात के समय में हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, बाकी दोस्तों हम पूरे दिन भर हम सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो एम्पियर धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, 3 एम्पियर के आसपास में पावर सप्लाई जा चुका है। और यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों, अभी भी हमारा बैटरी जो है वो 12.2 वोल्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे ही दोस्तों लोड बढ़ेगा, यहाँ पर वोल्टेज कम होगा क्योंकि हमारी बैटरी डाउन होगी, और लोड कम पड़ेगा दोस्तों UPS का, तो बैटरी यहाँ पर ऊपर की तरफ जाने लगेगी। दोस्तों अगर आपके घर में चेंजर लगा हुआ है तो वहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी जो है वो काट सकते हो, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कटेगा आपका UPS स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये था कुछ बेहतरीन इन्फॉर्मेशन। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। फिर भी दोस्तों आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।